मुबारक, कल मुबारक, होली का हर रंग मुबारक, रंग बिरंगी होली में होली का हर रंग मुबारक। सबसे पहले रीवा दर्शन की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं शब्दों के रंगरेजों को सुनने के लिए, जिन्होंने अपने शब्दों से विश्व में ख्याति पाई। ऐसे कई कवि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए पहले कवि को आमंत्रित करते हैं। तो आइए हम अपने पहले कवि को आमंत्रित करते हैं, गिरजा शंकर शुक्ल जी, जो एक अवधि गीत लेकर आ रहे हैं होली पर। सबसे पहले इस रीवा दर्शन स्टूडियो के माध्यम से सभी श्रोताओं को, सभी रीवावासियों को और संपूर्ण पूरे देश को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक गीत मेरा अपना बहुत प्रचलित गीत है, भोजपुरी में, अगर आप भोजपुर क्षेत्र में जाइए तो वहाँ पर चैता, चैता के नाम से उसको पुकारते हैं, कहते हैं, एक कर लेना बेटा। और एक नायिका, ग्रामीणा नायिका, जिसका पति प्रदेश में शासकीय नौकरी में है, ध्यान दीजिएगा, शासकीय नौकरी में है, और उसने कहा था कि होली पर मैं आऊँगा, निश्चित आऊँगा, लेकिन वह नहीं आया। तो वह नबोढ़ा पत्नी अपनी सहेली से अपने मन की पीड़ा का व्यक्त करती है। देखें, सबसे पहले एक होली पर दोहा, प्रतीकों के माध्यम से देखें आप कि जब से सेमल द्वार पर लगा खेलने फाग, जब से सेमल द्वार पर लगा खेलने फाग, बैठा नहीं मुड़ेर पर, तब से बैरी काग, तब से बैरी काग। और इसी पृष्ठभूमि पर आप देखें इस लोकगीत को कि आए नहीं मोर सैया, आए नहीं मोर सैया, बता दे कोई का करूं गुइया, आए नहीं मोर सैया, बता दे कोई का करूं गुइया। देखें, लोक गीतों में भी व्यंग किया जा सकता है। मैं श्रोता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप व्यंग देखिए, व्यंग मैंने कहां पर कहने का प्रयास किया है इस लोकगीत के माध्यम से। देखें कि एक तो मैं हूं निपट अनारी, एक तो मैं हूं निपट अनारी, दूजे वारी उम्र हमारी, कितीजे सैया भय सरकारी, तीजे सैया भय सरकारी, मैं प्रजा की नैया, बता दे कोई का करूं गुइया, आए नहीं मोर सैया, बता दे कोई का करूं गुइया। प्रजा की नहीं है, प्रजा की तरह खेत देखिए इस समय आंखों के सामने सबके हैं। शहर के लोग भी जब गांव जाते होंगे तो देखते होंगे, गांव के लोग तो देखते ही रहते हैं हमारे खेत आजकल कैसे हैं।
कि खेत हुए हैं दाने दाने, खेत हुए हैं दाने दाने, बाग बगीचे सब बौराने, बौराने बौर आम में बौर, और इधर अवधि में बौराने को पागलपन, होली का पागलपन इससे संबंधित है। तो देखें कि खेत हुए हैं दाने दाने, बाग बगीचे सब बौराने, कि कोयली भी नित मारे ताने, ननदी भी नित मारे ताने, मैं सहती जस भुइया बता दे कोई का करुइया, मैं सहती जस भुइया, भूई माने पृथ्वी, जहाँ चाहो खोद लो, जहाँ चाहो जो कुछ करना हो उसके ऊपर अत्याचार कर लो, कि मैं सहती जस भुइया बता दे कोई का करूँ गुइया, आए नहीं मोर सैया बता दे कोई का करूँ गुइया। देखें इस समय कुछ और पुनीत कार्य होते हैं सब घरों में, चाहे जिस जात धर्म जिस जात का व्यक्ति हो, मूलतः हिंदू घरों में हिंदू रीति रिवाज से क्या उत्सव होते हैं देखें आप, कि घर घर आंगन की उजरोटी, घर घर आंगन की उजरोटी, सुदिन बिचारे सब बभनोटी, घर घर आंगन की उजरोटी, सुदिन बिचारे सब बभनोटी, कि ना उन भेज रही सगुनोटी, ना उन भेज रही सगुनोटी, मैं पिंजरे की टुइया बता दे कोई का करूँ गुइया, मैं पिंजरे की टुइया बता दे, नवोढ़ा जो खासकर बहुएं होती हैं आती हैं, वो गांव में अभी भी परंपरा है कि वो बाहर नहीं निकल सकती, और जब पति नहीं है तो उस समय तो निकलना और भी दूभर हो जाता है, तो वही कहती है कि घर घर आंगन की उजरोटी, सुदिन बिचारे सब बभनोटी, कि ना उन भेज रही सगुनोटी, मैं पिंजरे की टुइया बता दे कोई का करूँ गुइया, आए नहीं मोर सैया बता दे कोई का करूँ गुइया। और गीत का अंतिम बंद देखें, अंत में विकल्प क्या चुनती है वो, या कि विकल्प क्या शेष रह जाता है, चुनना तो दूभर है, शेष क्या रह जाता है, और वो सब इसी होली में सरोबार होकर के सब कुछ आदमी भूल जाता है, इसी की मस्ती में मस्त होकर के सब कुछ भूल जाता है। तो देखें कि बन में टेसु की सरदारी, होली के विविध आयामों को देखें आप, कि बन में टेसु की सरदारी, द्वारे सेमल की रंगदारी, रंगदारी रंग और रंगदारी गुंडई, कि बन में टेसु की सरदारी, द्वारे सेमल की रंगदारी,
कि भीतर बंद पड़ी पिचकारी, भीतर बंद पड़ी पिचकारी, डूब मरूं जाए कुइया, बता दे कोई का करूं गुइया। डूब मरूं जाए कुइया, बता दे कोई का करूं गुइया। आए नहीं मोर सैया, बता दे कोई का करूं गुइया। बता दे कोई का करूं गुइया। धन्यवाद। अभी आपने जैसा सुना गिरजाशंकर शुक्ल जी को, तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कवि की ओर, भृगुनाथ पांडे भ्रमर जी, जो कि एक ओज के कवि हैं। और उनको आमंत्रित करने से पहले ओज की कुछ पंक्तियां मैं आपसे कहना चाहूँगा। बड़े ही प्रसिद्ध कवि हुए हरिओम पवार जी, उनकी पंक्तियों से मैं इनको आमंत्रित करता हूँ। मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में, मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन कर लड़ने की, और उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूँ, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूँ, मैं ऐसा गद्दार नहीं। तो आइए अब हम सुनते हैं भृगुनाथ पांडे भ्रमर जी को। मैं भृगुनाथ पांडे भ्रमर ओज का कवि हूँ, लेकिन आज होली के अवसर पर मैं आप सबको, सारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और साथ ही होली की शुभकामना के साथ ही कुछ व्यंग से शुरुआत करूँगा। तो मेरा थीम यह है कि चुनाव जीतने के बाद भी सांसद जी हमारे उदास बैठे हैं। हमने पूछा उनसे कि आखिर आप उदास क्यों हैं, बस इसी परिप्रेक्ष्य पे पूरे का पूरा, और व्यंग की जहाँ तक भाषा है तो जिसकी बात हो उसी के सर पे डाल दो तो व्यंग हो जाता है, अगर ये परिभाषा है तो मैंने इसी को चरितार्थ किया करता हुआ और कुछ छंद मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। कि जीत चुनावी जंग भी सांसद दिखे उदास, जीत चुनावी जंग भी सांसद दिखे उदास, वजह पूछने पर हम तुरंत पहुंचे उनके पास। कि बोले जनता से किए वादे कई हजार, पूरे कैसे अब करूं प्रश्न खोपड़ी पार, तो मैंने कहा कि छोड़िए मुझ पर सारा काम, मैंने कहा कि छोड़िए मुझ पर सारा काम, थकन मिटाने आप भी जरा करें आराम, कि पिए आप मुझे रखें सलाहकार, कि पिए आप मुझे रखें, मेरी यही रिक्वेस्ट, आनन फानन दूर हो सकल सकल आपके कष्ट। तो इसके बाद मैं अपनी बात व्यक्त करता हूँ छंद के माध्यम से। कि वायदे ही कायदे हैं यदि राजनीति के, कि वायदे ही कायदे हैं यदि राजनीति के, तो आप कैसे दोषी हुए हमको बताइए, और काम चीखना और टांग खींचना है जनता का, अपने को दोषी मान माथा ना खपाइए, कि आप होनहार किंतु आपको सलाह मेरी, आप होनहार किंतु आपको सलाह मेरी, छोटे मुंह बड़ी बात ना उगलवाइए, और आधा धुंध राज है गधे भी खीर खा रहे हैं, आप खुद खाएं बाकी हमको खिलाइए, आप खुद खाएं बाकी, बुरा न मानो होली है। तो उनकी शंका भी समाप्त नहीं हुई, तो मैंने कहा कि जनता को छोड़िए जरा सा मुंह मोड़ आप, कि जनता को छोड़िए जरा सा मुंह मोड़ आप, पुत्र पत्नी से किए वायदे निभाइए, और राजनीति में प्रथम पग धरा आपने, तो राजनीति के सकल कायदे निभाइए, कि जनता को कहें तोड़ फोड़ हड़ताल करे, कि ये भी आपकी जवाबदारी है, कि जनता को कहें तोड़ फोड़ हड़ताल करे, फर्ज अपना उचित राय दे निभाइए,
और दागिए दुनाली सदा दूसरे के कांधे रख, राजनीति के अनोखे फायदे उठाइए, राजनीति के अनोखे फायदे उठाइए। तो बोले कि भाई चुनाव अगला कैसे जीतूंगा। मैंने कहा इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़िए, देखिएगा एक व्यंग का लहजा देखिएगा कि 5 वर्ष के लिए तो पंजीकृत हो ही गए। मैंने कहा कि 5 वर्ष के लिए, टेंशन मत लीजिए मेरे रहते, कि 5 वर्ष के लिए तो पंजीकृत हो ही गए। हाथ आया मौका आप मौज से बिताइए, और गुंडे बदमाशों से भी शीघ्र साठ गांठ कर, चंदे और हफ्ता वसूल करवाइए। कि आसपास अपने सदा घुमाए आप उन्हें, लाभ देके उन्हें आप खुद भी कमाइए। और पास आया देख के चुनाव आप एक भाग, जनता में बांट के चुनाव जीत जाइए, जनता में बांट। तो बोले अगर इससे काम नहीं चला तो मैंने कहा मैं बैठा हूं और दूसरा नुस्खा देखिएगा, छंद देखिएगा, व्यंग देखिएगा, धार देखिएगा। कि जनता तो लोकतंत्र की है कामधेनु, कि जनता तो लोकतंत्र की है कामधेनु, इसे अपने हिसाब से सदा ही दुहवाइए। और दंगा और फसाद कर वाके शांति भंग कर, आत्मीयता दिखाने जांच करवाइए। कि कहिए विरोधियों का ओछा है ये काम, कहिए विरोधियों का ओछा है ये काम, और आनन फानन हड़ताल करवाइए। जब नजदीक हो चुनाव ऐसा कर आप, भारी मतों से सदा चुनाव जीत जाइए, भारी मत। तो बोले अगर इससे भी काम न चला तो मैंने कहा आखिरी नुस्खा देता हूं और ये काम आपके आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। सुनिएगा आप में से जो कोई भी हो, आप लोग भी सुनिएगा, व्यंग का लहजा देखिएगा। और कि प्रजातंत्र के नियम प्रजा के लिए हैं, कि प्रजातंत्र के नियम प्रजा के लिए हैं, जन प्रतिनिधि को नियम शिथिल कराइए। और कार्यपालिका के प्रमुख अंग हैं जनाब आप, न्यायपालिका पे भी शिकंजा कसवाइए। कि हो कोई भी धारा, अरे हो कोई भी धारा या इलेक्शन कमीशन हो, लागू कर मीसा प्रतिबंध लगवाइए। और रद्द करवाइए नामांकन विरोधियों का, बिना मतदान निर्विरोध जीत जाइए, बिना मतदान निर्विरोध जीत जाइए। लेकिन साथियों ये व्यंग्य की धारा थी, लेकिन मेरा देश कैसा हो, देश के लिए संभावनाएं कैसी हो, देश का नागरिक हूँ, एक जिम्मेवार नागरिक हूँ, आप सब नागरिक हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, एक अपनी बात रखना चाहता हूँ आपके समक्ष कि व्यक्ति व्यक्ति स्वावलंबी स्वाभिमान का प्रतीक, आत्मशक्तिशाली मेरा देश हिंदुस्तान हो, और दुनिया में विश्व गुरु बन के दमकता हो, और शीर्ष में विराजमान भारत महान हो। कि योग संस्कार संस्कृति समरसता से, सकल जगत माता भारती का मान हो, और अक्षरों में गूंजता हो माँ की वंदना का स्वर, शब्द शब्द उच्चरित आरती अजान हो, शब्द शब्द उच्चरित आरती अजान हो, शब्द शब्द उच्चरित आरती अजान हो। दोस्तों आजादी के पूर्व मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आजादी के पूर्व एक नारा आया था देश में कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक अदना सा रचनाकार ये भृगुनाथ पांडे भ्रमर एक अपील करना चाहता है, एक वेदना अपनी बताना चाहता है, सारे देशवासियों से कहना चाहता है कि इस अवस्था में जब देश हमारा स्वाधीन हो चुका है और आज देश को जरूरत है कुछ चीज की, कुछ बातों की, और तब आपके समक्ष 4 पंक्तियां रखता हूं, हो सके तो आप तक पहुंचे तो आप इसको चरितार्थ करने का भी प्रयत्न करें। 4 पंक्तियां सारे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जीने को तो जीते रहे आप जख्मों के साथ, बड़ी विसंगतियां झेली आपने, कि जीने को तो जीते रहे आप जख्मों के साथ, सदियों की यातना को पीना चाहता हूं मैं, और समरसता के साथ समता की हो भी साथ, जिंदगी को संग संग जीना चाहता हूं मैं, जिंदगी को संग संग जीना चाहता हूं मैं। कि हो पवित्रता से सिक्त दुश्चरित्रता से रिक्त, हो पवित्रता से सिक्त दुश्चरित्रता से रिक्त, आपका वो भाव भरा पीना चाहता हूँ मैं, नव निर्माण हेतु जन कल्याण हेतु साथियों लही नहीं पसीना चाहता हूँ मैं, साथियों लही नहीं पसीना चाहता हूँ। भारत माता की जय।
भृगुनाथ पांडे भ्रमर जी की ओज से भरी कविताओं के बाद अब बारी है सूर्य मणि शुक्ल जी की, जो कि एक सवैया छंद होली पर आपके लिए लेकर आए। हम अपना पार्टी के सबसे पहले हम एक त्यौहार के परिभाषा बताई थी जी कि मेल मिलाप हुलास बढ़ें पुनि बैर कछोड़ी सवई मिली जावे। मेल मिलाप हुलास बढ़ई पुनि बैर कछोड़ी सवई मिली जावे। और छूती छुआ केर भेद नहीं एक रोटी म बाटी सवई जन खामे। तो बोली पडोड़ी मचई दिन राती और खखाई हसई लपकौरी छना मई। और आंधर ही कराऊ जियार उ भारत के ते उहार कहाँ मैं। आंधर ही कराऊ जियार उ भारत के ते उहार कहाँ मैं। देखी फागुन महीना कैसन होत है अपने विशेष रूप से बघेल खंड में के बड़े बड़े बूढ़ बूढ़ और सयान सयान उस समय बिल्कुल जैसे भौजी देवर ऐसा हो जाता तो उस संबंध में चाल लेन देखी के फागुन मास जहाँ बबाऊ देवरा बनी खूब ठिठोली मचामा। फागुन मास जहाँ बबाऊ देवरा बनी खूब ठिठोली मचामा। और बांगर बूढ़ गदेल सबई मिली ढोंसी के फाग कबीर सुनामा। बांगर बूढ़ गदेल सबई मिली ढोंसी के फाग कबीर सुनामा। तो काकी कका भाऊजी दुलही और पिचकारी लिहे दह कुच मचामा। तो ऐसन देश कहाँ दुनिया जहाँ बैरी उगाल गुलाल लगामा। ऐसन देश कहाँ दुनिया जहाँ बैरी उगाल गुलाल लगामा। देखिए अपने बघेलखंड में एक परंपरा है कि जब होली आवे को होत है तब घर के औरतन का मायके ले जाए के प्रथा है। वह संबंध में हम चार लाइन लिखन अपना पांचे देखी के माइक का भाऊजी हाँ चली। माइक का भाऊजी हाँ चली के करे सांगा होई ठिठोली ओ बोली। माइक का भाऊजी हाँ चली के करे सांगा होई ठिठोली ओ बोली। त रंग भंग धरा है घूरा रंग भंग घूरा है धरा कर में पथरा परी गाए हैं होली। तो भाई बिचारू बिना मेहरारू भाई बिचारू बिना मेहरारू धरे बेसनी संदू की न खोली। तो आई गिरे परदेश से आपुन ऊ चली गई चढ़ी डोली खटोली। आई गिरे परदेश से आपुन ऊ चली गई चढ़ी डोली खटोली। ये अपना पाचे दिखे हम गामन में जो फगुआ होत है होली के दिन फगुहार चला था रास्तन में वो समय के थोड़ा सा वर्णन देखी जा लाइन में कि मारी पिचकारी मारी पिचकारी भेई सा बसाया सारी अब गली गली गेत गारी फगुहार चले जाता हाँ। मारी पिचकारी भेई सा बसाया सारी अब गली गली देत गारी फगुहार चले जाता हाँ। तो घोरी ली है हमार रंग घोरी ली है हमार रंग चढ़ा भंग का तरंग अब केउ नंग हाँ धड़ंग संग सब सब जात हाँ। घोरी ली है हमार रंग चढ़ा भंग का तरंग और केउ नंग हाँ धड़ंग संग संग सब जात हाँ। तो साथ ली है हाँ गुलाल और हाथ मले लाल लाल चाहू काहू केर गाल बिना मले नहीं जात हाँ। साथ ली है हाँ गुलाल हाथ मले लाल लाल और चाहू काहू केर गाल बिना मले नहीं जात हाँ। तो गामा नटई कचीरी खूब फगुआ कबीर औड़े सगले अबीर और फकीर बउरात हाँ। गामा नटई कचीरी खूब फगुआ कबीर उड़े सगले अबीर और फकोर बउरात हाँ। देखी हमरे
चार लाइन बनाए सब यम देखी बघेल खंड के हम ससुराल के संबंध में चार लाइन में वर्णन करें जी। कि नीक लगई ससुरारी तबई जब खूब रहई सराहत जी औसारी, नीक लगई ससुरारी तबई जब खूब रहई सराहत जी औसारी, तो सार गदेल रहई भरपूर उदेत रहा बहनोई कगारी, सार गदेल रहा भरपूर उदेत रहा बहनोई कगारी, तो सासु के आंसू रहई ढरकी और ससुरु हुलसाई बजा माई तारी, तो साथ सहेली लिहे दुई चारी त झांकी लुकई अपने घर वाली, साथ सहेली लिहे दुई चारी त झांकी लुकई अपने घर वाली। देखी चूंकि होली के टाइम है हम थोड़ा सा हास्य व्यंग और जो वर्तमान परिवेश में हम देखी थे कि हमारे यहाँ एक थे नाता साढ़ू के बहुत बढ़िया है, तो सढ़ुवन के संबंध में हम बघेली में लिखन चार चार लाइन के दू थे। अपना बाँची देखी कि फूफू फूफा बहनोई मामा जतने संबंध रहे पुराने, फूफू फूफा बहनोई मामा जतने संबंध रहे पुराने, तो दादन केर दबाऊ बढ़ा दीदी लव भौजी सब हैं कि कियाने, तो नातन माँ साढ़ू बढ़ी गे और सढ़ू आई नी तब बैठी दहलाने, अवाबत ही खुलास बड़ा जब सारी से जीजा लगे बिदुराने, आवत ही खुलास बड़ा जब सारी से जीजा लगे बिदुराने। चार लाइन और देखी के हई युग का पर भाऊ महा, हई युग का पर भाऊ महा जड़ छोड़ी के लोगन पात कधामा, और नात परे बहिरे सगला भितरे घुसी साढ़ू हवा झलवामा, नात परे बहिरे सगला भितरे घुसी साढ़ू हवा झलवामा, तो बामहन चाहू रहा बिन भोजन, बामहन चाहू रहा बिन भोजन साढ़ू हसालिक भोग लगामा, और मान बढ़ई यही से कुछ और, मान बढ़ई यही से कुछ और नई सढ़ुआई नि साथ मलामा, मान बढ़ई यही से कुछ और नई सढ़ुआई नि साथ मलामा। देखी चार लाइन सिंगार के देखी, चूंकि होली के समय के सब कविता चल रही है ऐसे हम अपना पाते के चाहे थे कि चार लाइन यह सिंगार में कुछ नवा प्रयोग भा एक देखी ई नायिका के गुस्सा के हम चार लाइन में वर्णन कर रहे हैं कि गोरी के घी हुलास बढ़ा जस गोरी के, गोरी के गारी पियारी लगी चौथेरा चबेना लगई जस होरा, गोरी के गारी पियारी लगई चौथेरा चबेना लगई जस होरा, अब भौहाँ है दुई जी जो धैया किरण लीलार के देख खींची चहूँ ओरा, तो चेहरा चिबुरी चमके से भगई अंधियार दनादन होई अजोरा, अब गुस्सा म गोरी गरूर भरी गरुआ न छाती कऊध कटोरा, गुस्सा म गोरी गरूर भरी गरुआ न छाती के ऊध कटोरा। हम बखील खंडी माँ बहुत सारी रचना लिखी थे सवैया माँ, हम देखिए अपना हमारे गांव सरपंची जब चुनाव भा तो सरपंच के संबंध में हम चार लाइन लिखें, सरपंच चूँकि हम पाँच स्कूल में मास्टर रहें पहले तो घुस जाए स्कूल में जाँच वोट करे लागत, हम चार लाइन लिखें उनके खाते के बांदर हाथ परी तरबारी उतारी के मूड़ कबऊ धई दही,
बांदर हाथ परी तरवारी उतारी कै मूण कबउ धई देहि और जे कलपे दरिया न मिली उ फुलौरी मिले उझरे टीके खही जे कलपे दरिया न मिली उ फुलौरी मिले उझरे टीके खही तो घामे मा बैठे बगारे रहे कुर्सी मा धसे आऊं घाई नी जही तो फाइली के मुड़ सौरे नमा उलटाई कैसीली माया उठा लगई फाइली के मुड़ सौरे नमा उलटाई कैसीली माया उठा लगई चार लाइन और देखी के गाई भैंसी रहा लगता बर दाबंधी सारी के शोभा बढ़ामा और नादिनी नादी अवाही गड़ी भरी सानी सबई मुँह बोरी खवामा तो हाँ कतने लगुआ भगुआ और अधिकारी निका घिउ पक्क छनामा हुआ सब बने सरपंच फलाने दयन के जागा सराप ढोसामा आ सब बने सरपंच फलाने दयन के जागा सराप ढोसावा अंतमा हम चार लाइन अपने समाज में जो बिटियन के उपेक्षा होती उनके खातिर चार लाइन कहे चाहे थे बिल्कुल बिल्कुल के बिटिया तो बनी घर कई लक्ष्मी परिवार का पाली उ बंसो बढ़ाई बिटिया तो बनी घर कई लक्ष्मी परिवार का पाली उ बंसो बढ़ाई और घर कई सगली घोसिहारी करी भिन सारे से जागी सबई का जगाई तो अपने जीव का न मरई कबहू और लड़का मन से रुक देती खवाई और जकरे घर माँ बिटिया न रही गुड़ पानी दुआरे तके ऊ न पाई जकरे घर माँ बिटिया न रही गुड़ पानी दुआरे तके ऊ न पाई चार लाइन और दिख ली के पुलिया बनी दुई परिवार के बीच रहई सबका सन मानी मनावे पुलिया बनी दुई परिवार के बीच रहई सबका सन मानी मनावे और कबहू मई के कबहू ससुरे दुख देखी न जाई दौड़त आवे तो घर कई सब चीजू रहई जतने और लुकबाई धरई महिमान खवाई भगे सगला बिटिया बिन को सूर्यमणि शुक्ल जी की खूबसूरत कविताओं के बाद अब बारी है कालिका प्रसाद शुक्ल जी की जिन्होंने अपनी भाषा के दम पर अपनी लेखनी के दम पर ख्याति प्राप्त की तो आइए सुनते हैं फागुन पर कोई लोकगीत और कुछ शब्द चित्र जी। जिसे आप किंसुक और उसका जो अन्य पर्याय शब्द है उससे आप जानते हैं, हमारे बघेली में उसे छिवला कहते हैं। साहित्य के और पर्याय में उसे पलाश भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी लोक भाषा में उसे परसा कहते हैं। इस समय आपने देखा होगा कि जंगल में लाल आंखों से घूरता हुआ पलाश के माध्यम से फागुन खड़ा मिलेगा। दहकती हुई आंख वाली अंगारमयी सेमल के फूल की आंखें, अमलतास की पीली पीली भीनी भीनी रंग भरी सुगंध, इस पूरे परिवेश से फागुन उतरता है हमारे आपके सबके भीतर। टेसु ऐसे फूले बंद में
जैसे कोई लाल मछरिया तैर गई हो मन में। मैं एक गीत सबसे पहले बघेली में सुनाता हूँ। छितरानी अंगना भर, छितरानी अंगना भर, फागुन कै राति छितरानी अंगना भर, फागुन कै राति फुलही टठलोई माँ चाउर कस भात। छितरानी अंगना भर, फागुन कै राति फुलही टठलोई माँ चाउर कस भात। छितरानी अंगना भर, किया चरा भर मोह प्रीति, ओलिया भर गारी अचरा भर मोह प्रीति, ओलिया भर गारी, भरी आँखी मारी गई दोहरी पिचकारी। अरे पान्यू माँ रही के हम, पान्यू माँ रही के हम, पुरैन कस पात। छितरानी अंगना भर, छितरानी अंगना भर, फागुन कै राति अफुलही टठलोई माँ चाउर कस भात। छितरानी अंगना भर, कि हरदी के हाथ बिकी बेसन कै देह, हरदी के हाथ बिकी बेसन कै देह, घुंघटा भर झांकी जाए पुतरिन कै नेह। हरदी के हाथ बिकी, हरदी के हाथ बिकी बेसन कै देह, घुंघटा भर झांकी जाए पुतरिन कैने। महुआ कस फूल झरे, महुआ कस फूल झरे, भौजी के बात। छितरानी अंगना भर, फागुन कै राति, छितरानी अंगना भर, फागुन कै राति अफुलही टठलोई माँ चाउर कस भात। छितरानी अंगना भर। कुछ फागुन के शब्द चित्र अपना के सामने हम रखे थे। यह है कि फागुन माँ छिवला के आँखी भय बाउर, फागुन माँ छिवला के आँखी भय बाउर, पनकिन के तरबा माँ भींजगा महाउर, पनकिन के तरबा माँ भींजगा महाउर, टारी गए जुन्हैया कब खोपा के कोरबा, टारी गए जुन्हैया कब खोपा के कोरबा, टारी गए जुन्हैया कब खोपा के कोरबा, भीतर भर छलक जाए नेऊना के खोरबा, भीतर भर छलक जाए नेऊना के खोरबा, अरहर के फरुहा भे करुआ के घेटी, अरहर के फरुहा भे करुआ के चूरी, आयरन कस लटक परी मसूरी के पूरी, आयरन कस लटक परी मसूरी के पूरी, बेउहर कस कंठी भय अरसी के घेटी, बेउहर कस कंठी भय अरसी के घेटी, गौरी गौरी गाँछ जाए कोयली के सेटी, गौरी गौरी गाँछ जाए कोयली के सेटी, तारी गए जुन्हैया कब खोपा के कोरबा, भीतर भर छलक जाए नेऊना के खोरबा। कुछ दोहा आप देखें कि पूर्वा से कहने लगी, पूर्वा से कहने लगी पगडंडी की घास, पूर्वा से कहने लगी पगडंडी की घास, कि भौजी प्यासी दोपहर भैया फागुन मास, भैया फागुन मास, पूर्वा से कहने लगी पगडंडी की घास, भौजी प्यासी दोपहर भैया फागुन मास, भैया फागुन मास, कि बिंदी माथे चढ़ गई,
बिंदी माथे चढ़ गई कजरा खाए ताऊ, मेहंदी ने हाथों लिखा ओठों के प्रस्ताव, ओठों के प्रस्ताव, बिंदी माथे चढ़ गई कजरा खाए ताऊ, मेहंदी ने हाथों लिखा ओठों के प्रस्ताव। कुछ दोहे फागुन के बघेली में देखें कि सूरज एक मिनट थोड़ा सा हाँ हाँ कि चिरैन के यारो मिला, चिरैन के यारो मिला तरई भय मुँह चोर, चिरैन के यारो मिला तरई भय मुँह चोर, ललछर धोती टारी के झाँके गोर अजोर, झाँके गोर अजोर, चिरैन के यारो मिला तरई भय मुँह चोर, ललछर धोती टारी के झाँके गोर अजोर, झाँके गोर अजोर, महुआ कीन्ही सी अधमरा कोयली करे बिहोश, महुआ कीन्ही सी अधमरा कोयली करे बिहोश, सकबंधे माघ भा फागुन बसा परोस, फागुन बसा बस परोस। ये भी गीत फागुन का है। कि जाने क्यों फागुन में फिर वही हुआ, जाने क्यों नौगीत है ये, जाने क्यों फागुन में फिर वही हुआ, बेसन की देह को गुलाल ने छुआ, जाने क्यों फागुन में फिर वही हुआ, बेसन की देह को गुलाल ने छुआ, कि सिमटी सहमी छाँव, सिमटी सहमी छाँव धूप की नई नवेली बन्नी, सिमटी सहमी छाँव धूप की नई नवेली बन्नी, भौजी के आंचल में जैसे गुमसुम बंधी अठन्नी, सिमटी सहमी छाँव धूप की नई नवेली बन्नी, भौजी के आंचल में जैसे गुमसुम बंधी अठन्नी, किसे मल की चोंच लिए आ गया सुआ, जाने क्यों फागुन में फिर वही हुआ, सेमल की चोंच लिए कि सेमल की चोंच लिए आ गया सुआ, जाने क्यों फागुन में फिर वही हुआ, कि बेसन की देह को गुलाल ने छुआ, कि सिमटी सहमी छाँव धूप की नई नवेली बन्नी, भौजी के आंचल में जैसे गुमसुम बंधी अठन्नी, किसे मल की चोंच लिए आ गया सुआ, जाने क्यों फागुन में फिर वही हुआ, कि मौसम के गुनगुने हाथ में, मौसम के गुनगुने हाथ में सर्दी का इस्तीफा, मौसम के गुनगुने हाथ में सर्दी का इस्तीफा, अमराई को मिला गंध का महका हुआ वजीफा, अमराई को मिला गंध का महका हुआ वजीफा, चौंक रही अल्लाह सरसों को ये
कपास की हुआ, जाने क्यों था बोलने क्यों नहीं हुआ, बेसन की कालिका प्रसाद शुक्ल जी की खूबसूरत कविताओं के बाद अब हम आनंद लेंगे शिव शंकर त्रिपाठी शिवाला जी का, जो कि एक व्यंग गीत लिखते हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे एक व्यंग गीत। देश की जो सियासी हालचाल है उससे एक रचनाकार होने के नाते कभी कभी मैं बहुत वाबस्ता होता हूँ, और ऐसा लगता है कि अगर हम सब अपनी प्रतिक्रियाएं उन तमाम मंजर के ऊपर नहीं दे सके तो देगा कौन। इसलिए अपना दायित्व बोध अपने साथ रखते हुए एक छोटा सा गीत लिखा था जिसमें आपको व्यंग दिखेगा, और गठबंधन के हमारे क्या नुकसान या फायदे हैं या समाज पर क्या असर पड़ता है उनका, उसकी कुछ झलक मिलेगी और कुछ ऐसे दोहे पढ़ेंगे जो अलग अलग रंग के होंगे। तो सबसे पहले मैं वो गीत आपको से अर्पित करता हूँ, सुनिएगा। जब से वो गठबंधन के हो गए हवाले हैं, जब से वो गठबंधन के हो गए हवाले हैं, दिल पर पत्थर हैं उनके होठों पर ताले हैं, दिल पर पत्थर हैं उनके होठों पर ताले हैं। पहले तो कहते थे होने देंगे ना मनमानी, पहले तो कहते थे होने देंगे ना मनमानी, भूखों को भोजन दिलवाएंगे प्यासों को पानी, अब वो उगले अंधियारे खा रहे उजाले हैं, दिल पर पत्थर हैं उनके ओठों पर ताले हैं। संकट से हो घिरे भले या हो असाध्य बीमारी, संकट से हो घिरे भले या हो असाध्य बीमारी, भले चार दिन बाद चार कांधों की हो तैयारी, बिस्तर पर हैं पड़े नजर कुर्सी पर डाले हैं, दिल पर पत्थर हैं उनके ओठों पर ताले हैं, दिल पर पत्थर हैं उनको उनके ओठों पर ताले हैं। मुद्दों पर व्यवहार परस्पर दुश्मन सा दिखलाते, मुद्दों पर व्यवहार परस्पर दुश्मन सा दिखलाते, जब पक जाए सियासी रोटी मिलजुल कर खा जाते, जब पक जाए सियासी रोटी मिलजुल कर खा जाते, सत्ता की सांसों का सिक्का यही उछाले हैं, दिल पर पत्थर हैं इनके होठों पर ताले हैं। और आखिरी दो पंक्तियां पेश करता हूं, दिल पर पत्थर हैं इनके होठों पर ताले हैं, पद के फेरे फिरे शपथ भी संविधान की खाली, पद के फेरे फिरे शपथ भी संविधान की खाली, जिस जनता ने चुना उन्हें उनकी ही हवा निकाली, जितने टुकड़े फेंको वो उतने मुंह वाले हैं, दिल पर पत्थर हैं इनके होठों पर ताले हैं, जब से वो गठबंधन के हो गए हवाले हैं, जब से वो गठबंधन के हो गए हवाले हैं, दिल पर पत्थर हैं उनके होठों पर ताले हैं। और कुछ दोहे जिनका जिक्र मैंने पहले किया वो अलग अलग रंग के हैं और अलग अलग खुशबू के हैं, वो मैं कुछ पेश कर रहा हूँ। जो जीवन भर झूठ का
भरता आया कान, जो जीवन भर झूठ का भरता आया कान, खोल लिया है आजकल सच की वो दुकान, खोल लिया है आजकल सच की वो दुकान। फूल बिचारे क्या करें कैसे रखें सुगंध, फूल बिचारे क्या करें कैसे रखें सुगंध, बाली करके आ गए मौसम से अनुबंध, भले सुने ना भागवत तीर्थ करें न जाए, भले सुने ना भागवत तीर्थ करें न जाए, वो महतारी बाप जो बिटिया रहे बचाए, वो महतारी बाप जो बिटिया रहे बचाए, बेच दिए वरदान वो और खरीदे श्राप, बेच दिए वरदान वो और खरीदे श्राप, वृद्धाश्रम में भेज कर अपने ही माँ बाप, वृद्धाश्रम में भेज कर अपने ही माँ बाप। अए घुप अंधियारे सुनो, अए घुप अंधियारे सुनो, क्यों करता है शोर तू, क्या तेरी पीढ़ियां रोक सके ना बोर, तू क्या तेरी पीढ़ियां रोक सके ना बोर, पंडा की दरबार से क्यों लौटे रंजूत, पंडा की दरबार से क्यों लौटे रंजूत, जिसको चढ़ी मलेरिया वही घर आए। कुछ इसी भावभूमि पर जिस पर हमने गीत पढ़ा था, एक हमारी बड़ी गजल मशहूर हुई, उसके कुछ शेर पेश कर देता हूँ, पसंद आएगी। एक नन्हे दिए के लिए, देखिए कुछ घटनाएं होती हैं और कुछ कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से अगल से बगल से हुवाई जाती हैं, घटाई जाती हैं, तो इन घटनाक्रमों को जोड़ करके देखिएगा कि ये घटना स्वाभाविक रूप से घटी है या घटाई गई है। गजल सुनिए। एक नन्हे दिए के लिए आंधियों को बुलाया गया, एक नन्हे दिए के लिए आंधियों को बुलाया गया, बस रहा था शहर इसलिए, बस रहा था शहर इसलिए, बस रहा था शहर इसलिए, बस्तियों को जलाया गया, एक नन्हे दिए के लिए वो सुनाने लगे हैं सजा, वो सुनाने लगे हैं सजा, वो सुनाने लगे हैं सजा, कत्ल जिनसे कराया गया, जो सच उगलने लगी जो जुबां,
सच उगलने लगी जो जुबां, सच उगलने लगी जो जुबां, उसको सूली चढ़ाया गया, बीहड़ों में जो गुम हो गए, बीहड़ों में जो गुम हो गए, वीहड़ों में जो गुम हो गए, उनको संसद में पाया गया, एक नन्हे दिए के लिए। और एक और शेर सुन ले, हारते ही रहे द्रौपदी, हारते ही रहे द्रौपदी, हारते ही रहे द्रौपदी, दांव फिर भी लगाया गया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा सबसे पसंद शेर इस गजल का, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, आईना जब दिखाया गया, एक नन्हे दिए के लिए आंधियों को बुलाया गया, बस रहा था शहर इसलिए बस्तियों को जलाया गया। इस होली के पावन पर्व पर आज रीवा दर्शन की ओर से जिन जिन भी कवियों को हमने बुलाया, हम ये मानते हैं कि आपने ज़रूर आनंद उठाया होगा। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।